ऑल माय डियर फ्रेंड, यार अगर आप काइम मास्टर यूज करते हो और काइम मास्टर में एक प्रॉब्लम आती है अनसपोर्टेड रिजोल्यूशन, तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है, बताएंगे कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। हाँ, जब भी हम काइम मास्टर में कोई भी हाई क्वालिटी की वीडियो को एडिट करने के लिए सिलेक्ट करते हैं तब वो वाली प्रॉब्लम आती है, और बताएंगे उसको कैसे सेटिंग करना है। अगर वो वाली सेटिंग करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है दोस्तों, तो आपको क्या करना है, अपनी जो वीडियो की साइज होती है पहले उसको कोई भी मतलब कि बताएंगे कि एप्लीकेशन के बारे में, वो वाली एप्लीकेशन में जो वीडियो की क्वालिटी होती है उसको लो कर देना है, मतलब कि ठीक है, बाद में आपको करना है काइम मास्टर में एडिट, तो आपकी वीडियो पूरी एडिट कर पाओगे, कोई भी वीडियो को एडिट कर पाओगे, ठीक है। तो अनसपोर्टेड रिजोल्यूशन, वो वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है अगर बताएंगे उस सेटिंग के बारे में, मतलब कि एक सेटिंग बताएंगे वो भी नहीं होता है, तो आपको वीडियो की साइज को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यार मैं मोबाइल चावड़ा टेक्निकल बंदा सो अपने यूट्यूब चैनल पर गाइस पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल घंटी को प्रेस कर देना, चलते मोबाइल के। हेलो माय वर्ल्ड डियर फ्रेंड, यार अगर आप काइम मास्टर यूज़ करते हो और काइम मास्टर एप्लीकेशन में कोई भी वीडियो को एडिट करने के लिए जब सिलेक्ट करते हो दोस्तों, तो अनसपोर्टेड रिजोल्यूशन ऐसी प्रॉब्लम आपको गेस्ट करने को मिलती है दोस्तों। अगर ये वाली प्रॉब्लम आती है आपके काइम मास्टर में दोस्तों, तो वाली वो वाली प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है बताने वाले हमारे इस वीडियो में दोस्तों। तो मैं मोबाइल चावड़ा और आप देख रहे टेक्निकल बंदा सो हमारे यूट्यूब चैनल पर गाइस पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल घंटी को प्रेस कर देना, ताकि हमारी जब भी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आती है तो अब तक तुरंत पहुँचेगी दोस्तों। तो काइम मास्टर एप्लीकेशन को कर लेंगे सिंपली से ओपन और बता देते हैं आपको क्या सेटिंग करना है दोस्तों, ठीक है, बता दे आपको क्या क्या सेटिंग करना है। जब भी आप काइम मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करोगे दोस्तों, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, इधर से प्लस वाले ऑप्शन पे आप जब भी कोई वीडियो को सिलेक्ट करते हो तो अनसपोर्टेड रिजोल्यूशन ऐसी प्रॉब्लम आती है तो क्या करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो प्लस वाले ऑप्शन के नीचे एक सेटिंग वाला ऑप्शन मिल जाता है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना दोस्तों, और इधर जो एडवांस एंड एक्सपेरिमेंट बटन सेटिंग उस पर आपको क्लिक कर देना दोस्तों, और कंटिन्यू एनीवे पे क्लिक कर देना है दोस्तों। और जब भी आप जो ये वाला सेटिंग ओपन करोगे दोस्तों, तो आपको तीसरे नंबर पे अलाउ एक्सपोर्ट फ्रेम रेट अप टू 60 FPS, ये आपके मोबाइल में ऑफ होगा दोस्तों, मतलब कि इस तरीके से होगा, ऑफ होगा, तो इसको सिंपल से ऑन कर देना है दोस्तों। आपको क्या करना है, इसको ऑन कर देना है। और दूसरे नंबर पे अलाउ इंपोर्ट फ्रेम रेट अप टू 240 FPS, इसको भी ऑन कर देना है दोस्तों, ठीक है, आपको इसको भी ऑन कर देना है। और इधर लास्ट में अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड, ये भी ऑफ होगा दोस्तों, आपके मोबाइल में कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, ठीक है, तो इसको भी ऑन कर देना है दोस्तों, ठीक है, इसको भी ऑन कर देना है, मतलब कि ये तीसरे नंबर पे चौथे नंबर पे दोनों को ऑप्शन को ऑन कर देना, और लास्ट में अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड है उसको भी ऑन कर देना दोस्तों, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आप अब कोई भी वीडियो सिलेक्ट कर पाओगे दोस्तों, ठीक है, कोई भी वीडियो को सिलेक्ट कर दोगे तो अनसपोर्टेड रिजोल्यूशन ऐसी प्रॉब्लम नहीं नज़र आएगी दोस्तों आपको, ठीक है। अगर ये वाली प्रॉब्लम फिर भी आती है यार, मतलब कि नहीं आती है, मतलब कि कुछ बार आ जाती है अगर ये वाली प्रॉब्लम, तो क्या करना है आपको, एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर देनी है हम आपको बाहर जाके स्क्रीन पर, ठीक है, खास करके ये वाली प्रॉब्लम नहीं आती है अगर ये वाला सेटिंग कर देते हो दोस्तों। अगर आप अगर फिर भी आती है ये वाली प्रॉब्लम, तो क्या आपको क्या करना है, ये जो वीडियो कंप्रेसर करके एक एप्लीकेशन आती है दोस्तों, वीडियो कंप्रेसर हम आपको प्ले स्टोर में जाके भी दिखा देते हैं, ठीक है, मोबाइल डेटा को कर देंगे ऑन, और इधर से वीडियो कंप्रेसर, हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है वीडियो कंप्रेसर के ऊपर, यानी कि वीडियो की कोई भी वीडियो की साइज़ को चेंज कर सकते हो, इधर आपको टाइप कर देना है वीडियो साइज कन्वर्टर, ऐसा टाइप करोगे तो भी वो वाली एप्लीकेशन आ जाएगी। ये देखिए दूसरे नंबर पे ग्रीन कलर की एप्लीकेशन मिल जाती है वीडियो कंप्रेसर दोस्तों, ये वाली एप्लीकेशन को आपको कर लेना है डाउनलोड दोस्तों, और इसमें से आपको जो भी वीडियो एडिट करनी है वो वाली वीडियो को सिलेक्ट करके उसकी साइज चेंज कर देना है, मतलब कि हाई क्वालिटी की वीडियो होती तो उसको थोड़ा लो क्वालिटी में कर देना दोस्तों, और फिर आपको जाके काइम मास्टर में एडिट करना है, आपकी वीडियो एडिट हो जाएगी, आप कोई भी वीडियो एडिट कर पाओगे दोस्तों। अगर वो वाली प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं होती, मतलब कि हमने जो सेटिंग बताया काइम मास्टर में जाके, मतलब कि 100% हो ही जाएगी, लेकिन अगर कुछ ऐसे सपोर्ट नहीं करता है काइम मास्टर हमारे मोबाइल में, तो ये वाली एप्लीकेशन वीडियो कंप्रेसर करके एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है, इसमें जो भी वीडियो एडिट करना चाहते हो उसकी साइज़ को चेंज करना है, बाद में जाके काइम मास्टर में एडिट करना है दोस्तों, आप कर पाओगे दोस्तों, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे नए नए ट्रिक्स के बारे में, नए नए एप्लीकेशन के बारे में, नए नए सेटिंग के बारे में वीडियो लाते रहते हमारे यूट्यूब चैनल में गाइस। तो अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल घंटी को प्रेस कर देना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।